अभी डांस होगा यहाँ पे, यू नो, बहुत ज्यादा मजा। वाह दीदी। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर। और कल मैंने यहाँ के दो हिस्टोरिकल पैलेस को विजिट किया था। फर्स्ट था हमारा जलियांवाला बाग और दूसरा था हमारा गोल्डन टेम्पल। आज हम जाने वाले हैं बाघा बॉर्डर। अब नीचे जाऊंगा, बस नाश्ता करना है, फिर यहाँ से डायरेक्ट बाघा बॉर्डर की तरफ चलना है। वहाँ पे परेड भी होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को जरूर दिख पाऊंगा। तो ये ब्लॉग भी बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग में तक बने रहना। और ये आप देख सकते हो भारत पाक की सीमा, बस 2 किलोमीटर यहाँ से, और इस्लामाबाद 322 किलोमीटर, लाहौर 24 किलोमीटर। और अभी हमने लगाया ये, आप देख सकते हो कितना ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। देन गाइस, अभी जो मैं हूँ वो हूँ जीटी रोड पे खड़ा, और ये बाजू में है, मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये बाजू में है जहाँ अभी हम परेड देखने जा रहे हैं, तो आप लोग को भी दिखाएंगे। तो पहले हम अभी चल रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत स्लो स्लो चलना पड़ रहा है। देन गाइस, अभी हम एंट्री करने वाले हैं जहाँ पे परेड हो रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो स्वर्ण गेट है, इसी गेट से हम एंट्री करेंगे। पीछे साउंड गाना बज रहा था, इसलिए मैं कोने में आके वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, लोग की लाइनें लगी हुई हैं अंदर जाने के लिए। अंदर यूँ बहुत सारे फोर्स भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। आप देख सकते हो मेरे पीछे, उस पीछे से मैंने इन किया, मतलब वहाँ से चेकअप हुआ हमारा, फिर उसके मतलब पीछे से इन किया। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और इसी के अंदर परेड होगा। यू नो, मेरा भी फर्स्ट टाइम है और आप लोग का भी फर्स्ट टाइम है, तो ज़रूर देखना इन चीज़ को। उधर पीछे पाकिस्तान का बॉर्डर और इधर ये इंडिया अपना, ये देख कितना बहुत ज्यादा, उधर तो भेड़िया नहीं है यार। Oh,
गाइस यहाँ का जो पैरेड था वो हो चुका है ख़त्म। आप लोग को कैसा लगा मुझे ये भी बताना। और देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। और ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है ट्रेडिंग गेट, और ये पीछे आप बॉर्डर देख सकते हो। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए बेस्ट ब्लॉग में। आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना। आप देख सकते हो मुझे निकलने में सिर्फ आधे एक घंटे लग जाएंगे, उसके बाद गाड़ी का तो हाल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर। तो अगर आप लोग को भी टाइम मिले तो आप लोग भी ज़रूर आओ देखने। बाय, जय हिंद।